अच्छा, कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा ये, मैं भी उन लोग के लिए बना रहा हूँ जो मतलब YouTube पे ऐसे स्क्रॉल करते हुए देखते रहता। मैं भी देखता हूँ, तो मैं उसी के लिए रिएक्शन के लिए बना रहा हूँ, मैं भी किसी को अच्छा लग जाए। कभी कभी इंटरेस्ट नहीं लगता, जैसे कोई चीज़ें तुम देखो अकेले बैठ के, लेकिन किसी चीज़ का रिएक्शन वीडियो देखो तो जब फीलिंग मैच करता है ना तो अच्छा लगता है देखना। तो इसीलिए मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, कोई नहीं, मैं इसको मतलब ज़्यादा बोरिंग नहीं करूँगा, एडिट कर दूंगा। अब इतना लंबा थोड़ी ना, कितने 2 घंटे का है, अब मेरे में इतना स्टोरेज है, 51 मिनट का वीडियो बन सकता है, तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, काट काट के दिखाऊंगा, डोंट वरी। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस OTT, थैंक्स टू जियो सिनेमा, सारी चीज़ें दिखा दिया, IPL दिखा दिया, टेस्ट क्रिकेट दिखा दिया, अभी बिग बॉस दिखा रहा है फ्री में। सो रहे कि अगले साल से ये प्रीमियम भेजेगा तभी दिखाएगा, अभी फ्री है। तो व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो यू, आई जस्ट वांटेड टू शेयर यू, आई जस्ट वांटेड टू सी विद यू। एक्चुअली मैं पहले देख चुका हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड द एक्शन। सो लेट्स गो टू बिग बॉस। बिग बॉस मतलब यू यू वुड नॉट बिलीव दैट इन कॉर्पोरेट लाइफ हाउ आई कैन गेट द टाइम टू वॉच बिग बॉस। आई एम ए यूट्यूबर, देर इज वन, बिफोर इट देर वॉज ओनली वन पर्सन, बट नाउ देर इज टू पर्सन हु इज यूट्यूबर। सो जस्ट बिकॉज ऑफ देम आई एम वॉचिंग यू दिस सीजन, बिग बॉस सीजन। सो आई एम ओनली टू रीजन, शुक्र इंसान एंड एलविस यादव, आई एम वॉचिंग दिस बिग बॉस। सो टूडे वीकेंड का वार, आज कोई घर से बेघर होना हो रहा है, तो चलो देखते हैं साथ में। सो द रिएक्शन एंड लेट्स सी द मेन पार्ट एंड हियर वी गोज। आज है वीकेंड का वार संडे, तो आज एक लोग घर से बाहर होंगे, मैं जान चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा एक्टिंग के लिए देखते हैं, तुम्हारे साथ देखते हैं रिएक्शन वीडियो, काइंड ऑफ रिएक्शन वीडियो। तो कल मैंने लोगों से बात की शो में अपने फेक चेहरों से नए रिश्ते ना बनाने के लिए। इन्हीं फेक रिश्तों पर मेरी कुछ बातें अधूरी रह गई। चलिए अंदर चल के देखते हैं और उन्हें कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। आइए। सलमान भाई का अलग अंदाज रहता है। दैट इज व्हाई आई लाइक सल्लू भाई, माय फेवरेट हीरो सल्लू। एक शो में से निकल के डायरेक्टली नागिन में जाओगी यार, कपड़े तो ऐसे पहने हैं आपने, इच्छा था कि नागिन एनाकोंडा। तो मनीषा आशिक बॉडी सेमिंग कर टेक बॉडी सेमिंग का जो कल मैंने बोला आप लोगों को बात समझ में आ गई आपको? यस बट मनीषा आपने एक बात की, मनीषा सच में यार कभी के बोरिंग लगता है मुझे, बहुत बोरिंग लगता है। तो उसी के बारे में आज कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। घर में एक ग्रुप बना है जो कि है एल्विश, अभिषेक, आशिका और मनीषा का। तो ये 4 ने घर का पहला ग्रुप फॉर्म किया। दो यूट्यूबर्स, उनके साथ 2 लड़कियां, ताकि सेफ रहें। समझ रहे दया? ग्रुप के मुखिया कौन है, एडमिन कौन है? सब तो ऑटोमेटिक बन गए ना ऐसे, क्योंकि हम अभिषेक पहले से दोस्त थे, अब एलिस तो बहुत बोलते हैं यार। मैं इसको छोटी सी चीज बोल दो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करती है। सब पता है ईशा, देखो सब सलमान पता सर है, भी मजा ले बात रहे हैं, हम ही लोगों को नहीं पता। सलमान सर भी मजा ले रहे हैं भाई, सब जानते हैं यार, पता नहीं क्यों किस, लेकिन इसका मैंने देखा वो इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन फॉलोवर्स, आवाज अमेज। तो और बिहार की रानी मनीषा रानी। क्रिएटिव टीम को ना पता, बिग बॉस को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, और मैं मुझे क्या अपना पता, शायद अविनाश को भी ना पता हो। अविनाश जी सर, आपके इस स्माइल से ऐसा लग रहा है कि आपको पता है। नहीं सर। चलो एडमिन जो भी हो, यार इतना भी डेटा नहीं मेरे पास, मैं चिटिंग नहीं देख पाऊंगा, 1080 पे नहीं भैया, 360 पे देखता हूँ, दिख रहा है ना थोड़ा बहुत।
एडजस्टेबल है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, डेटा उतना नहीं है ना। लेकिन एक बात अच्छी है कि आप चारों को पता है कि आप लोग मिलकर क्या कर रहे हो, एक दूसरे को साथ लेकर चल रहे हो, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे, डिफेंड कर रहे हो। जैसे मनीषा को जो बोरिंग लगती है वो कुछ नहीं कर रही, लेकिन मनीषा को सब बोरिंग लगते हैं। आपको आशिका बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, वो बोरिंग बिल्कुल ही नहीं करते ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी ना करे। नहीं, बहुत बार बोले हैं। आप एडवाइस दो, स्क्रिप्ट दो, लव एंगल करो, सूट पहनो। सैटरडे को मतलब ये वाला डिस्कस हुआ था कि ये मनीषा बोल रहे थे इसको कि अभिषेक का उसके साथ हो रहा है, जिया के साथ, तो वो अपने ग्रुप की नहीं है, तो आशिका के साथ लव एंगल करवाओ, तो ये हैं लव गुरु। ये खुद कह रहे थे कि दिस इज माय जेन्युइन इन रियल लाइफ आल्सो आई एम लव गुरु इन रियल लाइफ। बिंदी तालो, झूठा मोटा फेर चलाओ, हाँ तो सब ठीक ही है ना, साथ लेके चलेंगे। लेकिन जिया बोलेंगे, क्योंकि कारण क्या हो सकता है, यही हो सकता है ना शायद कि अपने ग्रुप की नहीं है। असली गेम तो आप लोग ही खेल रहे हो, वरना बाकी के दूसरे ग्रुप वाले, इस ग्रुप में लोग एक्चुअली सच्चे रिश्तों में फंसे हुए हैं। जैसे बेबी का एक जेन्युइन अफेक्शन है पूजा को लेकर, पूजा का जेन्युइन है बेबी का को लेकर, फलक और जिया में एक सॉफ्ट कॉर्नर है एक दूसरे को लेकर जो कि सच्चा है। ऐसे सच्चे रिश्ते होने के बावजूद इनकी गेम में कितनी कंफ्यूजन है भाई। ये पांचों एक दूसरे में उलझे हुए हैं, जैसे कि कैप्टनसी टास्क में फेयर रहने के लिए पूजा ने बेबी का को रेस से बाहर कर दिया। अब यहाँ पे पूजा जी अपना ज्ञान देंगी जो कि मतलब 90% सही लगता है, 10% थोड़ा ओवर लगता है, लेकिन सही बोलती है। आई वॉन्ट हर टू सी इन टॉप 5-3 भी आल्सो। यानी फेयर रहने के लिए नहीं, बिकॉज आई न्यू कि अगर बेबी का कैप्टन बनती तो घर में इतना प्रॉब्लम होता क्योंकि ये सब रिजिस्ट करते, तो मैंने खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए ये निकाल दिया उनको। और ऑल्सो मुझे लगा कि बेबी का इस टाइम पे तैयार नहीं है कैप्टन बनने के लिए, क्योंकि उनकी इमोशंस पे उनको काबू नहीं है। बट एट दैट पॉइंट मुझे पता चल गया कि क्यों वो हेल्प कर रहे थे, और अभी ने मुझे ये भी बोला कि आप स्ट्रैटेजी समझ गए। फिर वो कैप्टन बनती वो लोग हर चीज को ना कर देते और फिर हमको कैकोफोनी सुनना पड़ता ऑफ नॉइज, दैट्स व्हाई आई डिड इट। बेबिका जी सर, मुझे ने अच्छा किया ना, बिल्कुल सही किया। हां बिल्कुल बिल्कुल उस जब जब का किया था तो तब चल रही थी, आज यहां बिल्कुल कह रही है। अवेयर है क्या हो सकता है, मैं भी उस बात से सहमति रखती हूं। और वैसे ही हम बात करेंगे फलक और अविनाश की, देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर बट फलक एक दिन मेन तो वही है, ये सब तो वार्म अप था। अब बात आई है मेन, ये है असली अविनाश जो मुझे बहुत पसंद है। और किसी दिन कहती है मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं शायद बाहर जाके तुम्हें मिलूंगी भी नहीं। कंफ्यूजन का पता नहीं, फलक एक तरफ ये एक तरफ वो, ऑपोजिट ऑपोजिट बीच का कोई राह नहीं है। वुमेन्स मैं अपने शब्दों में बोलूं, मैं घर घुसनी हूँ, मुझे मैं घर से निकलती नहीं हूँ इजीली, मतलब मैं जाके खुद से फ्रेंड्स से मिलती नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे मेन बात हो रही है मैं फलक और अविनाश की। अविनाश जी ने प्रपोजल दे दिया है फलक को, फलक को, और फलक ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। उसी की बात हो रही है, उसने कहा था कि मैं बाहर जाऊंगी तो गायब भी हो सकती हूँ, तो उसी पे सलमान सर बोल रहे हैं। मेरा वो कहने का मतलब था जो जिस बात पे दोनों बहुत गुस्सा कर गए, इनको समझ नहीं आया, इनको लगा कि मैं कॉन्टैक्ट खत्म करने वाली बात बोल रही हूँ, लेकिन मैं वो नहीं बोल रही थी। नहीं देखिए, जैसे आपने कहा है मैं गायब हो जाऊंगी मिलूंगी भी नहीं, इसका कोई और मतलब नहीं है। अगर आप बोलना चाहती थी कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी,
मैं फोन नहीं उठाती। इनको पहले बोला था मैंने ये बात, पहले बताई थी, पहले बात बताई थी, तो वही बात आपको वापस से दोहरानी चाहिए थी, ना के नहीं मिलूंगी गायब और कंफ्यूजन अब हो जाऊंगी। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मिरर होता ना मिरर, आपके रिश्तों का मैं एक आपको आईना दिखा रहा हूँ बस। जिया जिया, आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, सॉरी सॉरी कहने का मूड है। ये लड़की इतने शिद्दत से रिश्ते बनाती है, उसी शिद्दत से धोखा भी खाती है। इसका भी थोड़ा ढीला भी चल, ढीला मतलब क्या करूं। The relationship with her father, not using the father's last name. यहाँ पे जेट का और जिया का वो father and daughter वाला सीन था। जेट को पता ही नहीं था कि उसका क्या एज है, उसके बाद एज पता होने के बाद उसका थोड़ा रिएक्शन अलग हो गया, तो इसको भी थोड़ा ऑड लगा कि ये एज से क्या मतलब है, और ये अपने पिताजी से पंगा ले बैठी हैं, उनको छोड़ दिया, तो दिस इज काइंड ऑफ दैट, सो आई एम गोना स्किप दैट बोरिंग पार्ट। दिस इज द मैन जेट हैबीबी, सो इन द स्टार्टिंग इज द पर्सन ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो कि अविनाश ने बोला था अपने के लिए, तो ये भाई साहब स्टार्टिंग में वही थे, लेकिन फिर काफ़ी रोलर कोस्टर राइड हुई इनकी। अभी उसी पे बात हो रही है, किसी को बहन बना ले रहा है, किसी को डॉटर बना ले रहा है, किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है, किसी के साथ क्या कर रहा है, मतलब फॉरेन से आया है, दुबई से आया, तो मैं क्या गजब बेचते है यार, अविनाश भी है, अभिषेक भी है वहाँ पे, और जस्ट मॉडरेट एंड not that you excel in। यहाँ पे बस वही बातें हो रही है कि जेड का मतलब जिया और जेड के रिश्ते का बात हो रहा है, काफ़ी मतलब अप्स एंड डाउन आया, और उसके बाद जेड ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है गेम में, तो उसी की बात हो रही है, तो इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे समझा दिया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक हुआ, उसके बाद अविनाश खुश हो गया, देखो सब माँ भाभी बात कर रहे हैं कि मैं जो मैं कह रहा था वही सब माँ भाभी कह रहे हैं, देख लो कि तुम मोर कंफ्यूजिंग हो, क्लियर करो इसे। अब वह ब्रेक के बाद जाके तुरंत समझा रहा है कोने मिले जाके पलक को अविनाश, अभी देख रहा है देखना है। अब समझ में आया आपको मैं क्यों बढ़ गया था उस वक्त, मैं तुझे फ्रेंकली बताऊं, उस वक्त मेरा सिर फट गया, मेरे को विश्वास नहीं हुआ, तो ये बोल दिया, मतलब इन्हें जबरदस्ती बुलवाना है, वो उस दिन कह भी दी थी कि दैट्स माय ओपिनियन और आई डोंट वांट टू हर्ट यू, इवन इतना तक बोल दिया था कि डोंट अंडरस्टैंड मी, आई डोंट वांट यू टू अंडरस्टैंड मी, तब भी इसको कुछ नहीं समझ रहा, इसको गुस्सा पड़ा है। और सलमान ने क्या बोल दिया और सर चढ़ गया, मेरी कुछ बातें अधूरी रह गई, तो चलो अंदर। बेस्ट पार्ट, आई लव दिस पार्ट। कौन कौन है नॉमिनेटेड? फलक, जिया, जाद, अविनाश और आशिका एंड एल्विश। आशिका को यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, एल्विस ने बस एक लाइन बोली थी, आगे देखो क्या होता है। कोई नेक्स्ट मैं बता देता हूँ, अगली वीकेंड पे आशिका जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, अभी इस प्रेडिक्शन कर दे रहा हूँ, बता रहा कोई नेक्स्ट मैं बता देता हूँ अगले अगली वीकेंड पे आशिका जाएगी मैं बता दे रहा हूँ अभी इस प्रेडिक्शन कर दे रहा हूँ बता रहा वो एल्विस ने बोल दिया था मस्ती मस्ती में कि यार इसको मत हटाना, ये अपनी टीम है, इसलिए लोगों ने वोट कर दिया उसको, वरना जाने वाली तो वही थी, सब लोग उसके ग्रुप के ही खुद बोल रहे थे, एल्विस सबसे एक मनीषा वो खुद बोल रहे थे कि वही जाएगी, लेकिन फैन फॉलोइंग है ना एल्विस और अभिषेक का, तो उसी के ग्रुप के हैं, तो उसको वोट कर दिए भाई,
जनता के वोट्स में इसलिए बच गए, नहीं तो मैं जाने वाली थी। मेरे पास आ चुके हैं और वोटिंग के हिसाब से जो बॉटम थ्री में है वो है अविनाश, जैड, फलक। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि बिग बॉस ओटीटी जनता का शो, जनता का शो। पुनीत सुपरस्टार आया था नंबर टू रैंकिंग पे, फिर उसके बाद पांच लोग को बैठा के उसको उनकी रैंकिंग नीचे करवा दिया, और फुकरा का भी एक से नीचे करवा दिया। तो जनता का शो क्यों कह रहे हो फिर भाई, जब तुम्हें यहाँ पे भी वोटिंग के हिसाब से टॉप थ्री। मुझे क्या, मुझे ये भी नहीं, अब किसको पता है कि ये सही है नहीं है। अर्जुन कर रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी टॉप बॉटम टॉप थ्री लिए हैं। और फेयर खेलने के लिए अगर तुम कह रहे हो कि जनता का शो है ओटीटी है, तो उनके काउंट से बताओ ना कि सबसे लोएस्ट कौन है। अब यहाँ पे तीन नाम तुम बॉटम थ्री नाम बता दिए, अब उसके बाद घर वालों से पूछा जा रहा है कि इसमें से किसको निकाला जाए, मतलब कौन कम इफर्ट डाल रहा है गेम में, तो वही होगा, वही पूछ रहे हैं। तो मेरा मतलब ये था कि डायरेक्ट जो नीचे है सबसे उसको हटाओ, जब जनता का शो है तो ये बोल रहे हो, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। लोग बॉटम थ्री में है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको यानी कि घर वालों को इन तीनों में से किसने ये शो को जीतने के लिए सबसे कम एफर्ट डाला है? आरो मेरे हिसाब से जेड, जेड हमेशा हर टास्क में, तुम लोग दिख रहे कि नहीं, हर टास्क में बोलता है आई एम डन। इवन लोगों को मतलब वो करना पड़ता है कि इन्फ्लुएंस करना पड़ता है कि डोंट गिव अप जेड, डोंट गिव अप। लेकिन सरप्राइज फलक, अविनाश एंड जैड, हमें वो नाम बताओ ताकि जो जाना चाहता है उसको घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, जो नहीं जाना चाहता जिसको। मैं चाह रहा था यार फलक रहे, और एलविस ने कहा था कि अविनाश को कि तू जाएगा बाहर, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं जो रोमांस करूंगा तेरे बंदी के साथ। लेकिन यार मेरा काम गड़बड़ा गया कि हम उनको इस घर से अलविदा करें। शुरू करते हैं एलविस से। ज्यादातर लोगों ने फलक का नाम लिया था जो कि ट्रू है, मतलब ट्रू क्या, मेरे हिसाब से दोनों, मतलब जेड को भी जाना, जेड को भी नॉमिनेट, इट्स मोर कंफ्यूजिंग, इट्स ओके। पलक भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी, खाना बना रही थी अविनाश के साथ कोने में बैठ, जैसे एलियस ने बोला कोने में बैठ के बात करना, कोने में अकेले बैठी रहना, बाथरूम सॉरी मेकअप करना, अविनाश से बात करना, और इसके अलावा कुछ काम ही नहीं था। तो सही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे वही डिस्कशन हो रहा है, पूछा जा रहा है, तो सभी ने फलक का नाम लिया, तो आगे देखते हैं क्या होता है। आई थिंक फलक, क्योंकि वो उसे ऐसा वो गेम जीतने का वैसा नहीं है, वो बस अपने आप, वो अपने आप को, उसने खुद बोला था एक बार, मैंने देखा था कि मैं ये गेम जीतने आया थी, मैं यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी को एनहेंस करने आई थी, खुद बोला था उसने, जिया सही कही होगा, पहचानने आई थी। And she was here with a different motive. देखो क्या है यार ये सिस्टम, अभी हाल एक जाना चाहता है उसको कोई नहीं नाम लिया, दूसरा जो है गेम में रहना चाहता है उसका सब नाम ले रहे हैं घर से बेघर करने के लिए। ने यहाँ पर बोला कि मुझे जीतने का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस गेम में, और उसका किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन जो खेलना चाहती है ये गेम सबने उसका नाम ले लिया, पूरे घर ने उसका नाम लिया। सॉरी फलक, घर चाहता है कि आप अपने घर जाओ, हम नहीं चाहते, घर चाहता है कि आप इस घर को छोड़ के अपने घर रवाना हो जाएं,
वेल डन फलक, माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से खेला है आपने ये। सबको लग रहा था कि मजाक हो रहा है क्योंकि सलमान भाई कभी कभी करते हैं ऐसे वीकेंड के बार में कोई सीधे चीज़ें बोल के फिर उसके बाद वापस अपना स्टेटमेंट कर लेना, तो कभी कभी करता है, लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि सही में ये जा रही है। लोगों की रिएक्शन देखो, मजे लो। थैंक यू। नहीं, खत्म हो गया है। अगले हफ्ते मिलने को बोला है। नहीं नहीं, तुम लोग उठ के अगर आ सकते हो कोई तो प्लीज आ जाओ, मुझे बोला गया है, मैं फॉलो करूंगी। नहीं अविनाश का देखो, सुनो। अरे बोला है। हाँ मैंने सुना। तो चलो सलमान सर ने बोला सी यू गाइस। इतनी सीधे तो हो ही नहीं सकते। चलो अंदर। ऐसे भी उठाएगा। गेट भी खुल गया। गेट खुल गया सबसे बड़े। अब तो मान ही जाएंगे सब लोग। ओके पलक बाय। अरे वो खुल गया है दरवाजा। क्या हो गया तुम लोगों को? हो गया है। बाय बाय। अरे मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा है। रुको। इट्स ओके इट्स ओके। मैं नहीं बाय बोल रही। बाय। मैं बोल रहा प्लीज सामान भेजना। जी हां बोल ही नहीं रही। बाय। डोंट वरी हम भी आएंगे। तेरा हाथ तब तक। बाय। आप बहुत अच्छी। पता नहीं रिंग पहनाया उसने पूजा ने फलक को। वो मुझे पता है। ठीक है। अब इनका वो वाला जैसे अवतार में होता है कनेक्शन, हाथ पकड़ लिए टेलीपैथी कर रहे हैं। अरे यार यू आर कमिंग बैक। उसको संभालो। हाँ जब तुम बात करो। खुला हुआ है दरवाजा। ठीक है ना। फलक वी लव यू सो मच। भाई की सुखी हुई है। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया ना अभी तक। बाय 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 लव यू। सही बात कह रहा मैं, वही बता रहा था मैं। इसकी वैल्यूज की वजह से इसको बचा बच गई, लेकिन उसकी वजह से फलक चल गई ज्यादा। सो बैड।